हेलो अगेन। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी जो इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन 102 है उसका हिंदी वर्जन है। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बिकॉज सम आइडियाज़ आर अपग्रेडेड, यानी कि मेरी समझ समय के साथ बदल रही है। तो जो आइडियाज़ मैंने उस वीडियो में बोले थे वो एज इट इज़ आज नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज शायद मेरे पास, मतलब एटलीस्ट आज की समझ से ही कह सकता हूँ कि मेरे पास तब से बेटर आइडियाज़ हैं। तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी होंगे और इसीलिए मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उन्हें हमेशा देखते रहें, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत अपग्रेडेशंस, बेटरमेंट होते ही रहेंगे। एंड आई थिंक ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा। तो आज का टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस दैट यू गिव टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि जब झगड़े घर में होते हैं, जब आपकी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ लड़ाई होती है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई होती है, उस लड़ाई को सुलझाने में आप कितना टाइम, कितनी मेहनत करते हो, आज उस बारे में मैं कुछ बात करूँगा। तो एक मेजर चेंज जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि मैंने पुरानी अपनी वीडियो में एक बात कही थी कि यू कैन एक्चुअली टारगेट ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में एक भी झगड़ा बचे ही ना। अब आज मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर दूं कि ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट एज अ टारगेट तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज़रूर हर मुद्दे पर मेहनत तो करनी चाहिए। हु नोज, मतलब कोई भी झगड़ा रखना क्यों है, किसी भी झगड़े को यूं क्यों कहना है कि अच्छा नहीं चलता है तो चलने दो, अगर सारे रिजॉल्व हो सकते हैं तो क्यों नहीं। यानी कि टेक्निकली, इन थियोरी, आप अपने हर झगड़े को सुलझा सकते हो अगर आप ड्यू मेहनत, ड्यू टाइम, अपनी ड्यू विजडम लगाओ, उस पर दिमाग लगाओ तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो होता ही है कि कुछ मुद्दे लाइफ में ऐसे होंगे जो कभी रिजॉल्व होंगे ही नहीं। इनफैक्ट ऑन एवरेज ये बोला जाता है कि 69%, ये भी अगेन गॉटमैन की रिसर्च से आया, लाइक ही इज़ अ ग्रेट ऑथर दैट आई लुक अप टू, उनकी रिसर्च में पाया गया कि 69% मुद्दे कभी रिजॉल्व ही नहीं होंगे। अब ये आपके घर में 60% हो सकता है, 40 हो सकता है, किसी घर में 80 हो सकता है, बट ये फिगर बताता है कि आपको ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आपके घर में ही नरक बना पड़ा है, बाकी तो मज़े से जी रहे हैं। यानी कि बाकी कपल्स, सोसाइटी में भी जो दूसरे लोग हैं उनके घर में भी ऐसा नहीं कि बड़ी स्मूथ राइड, बटर वाली राइड चल रही है कि हाँ बस दो लोग मज़े से साथ में जीते जा रहे हैं, और जो आप उनके अगेन उनकी बातों से सुनते हो, उनसे एक घंटा मिलने के बाद सुनते हो या फिर उनके सोशल मीडिया पे देखते हो, वहाँ बहुत सी सच्चाइयाँ ऑफकोर्स छुपी रह जाती हैं। और उन सच्चाइयों में एक सच्चाई ये है कि 60-70% मुद्दे, समटाइम्स 50% मुद्दे जो भी हैं, वो कभी रिजॉल्व ही नहीं होते, वो चलते रहते हैं। अल्टीमेटली दोनों या तो उसे एक्सेप्ट करते हैं या लड़ते ही रहते हैं। तो अब इस स्टार्टिंग पॉइंट को समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप खुद से या अपने पार्टनर से या अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लेके बैठ जाएं कि यार मैं तो एक एक मुद्दे को पूरा पूरा सलटाऊंगा, यानी कि मेरा तो एक ही काम ये है कि अगर एक बात भी हुई तो कैसे हुई, एक झगड़ा हुआ तो कैसे हुआ, मेरी लाइफ का तो यही टॉप काम है। अगर आप इस चक्कर में रह गए कि मेरे को तो हर बारे में बात करनी है, तो ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, तो शायद इतना कॉन्फ्लिक्ट में उलझ के रह जाओगे कि वो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट से ही और कॉन्फ्लिक्ट निकलेंगे और रिलेशनशिप में लगेगा सिर्फ नेगेटिविटी है, सिर्फ परेशानियां हैं जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं। तो इसलिए कुछ मुद्दों को छोड़ना भी पड़ेगा। ये है एक ओवरऑल पिक्चर। अब इस पिक्चर को दिमाग में रखते हुए आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जब मुद्दा कोई सामने आता है उस समय आपको नहीं पता कि ये क्या कभी रिजॉल्व होगा या नहीं होगा। आप शुरुआत में कैसे कह सकते हो, ये तो ट्राई करने के बाद, शायद रिपीटेडली ट्राई करने के बाद, फेलियर होने के बाद पता चलेगा कि हाँ शायद ये रिजॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आपको जब मुद्दा कोई नया सामने आता है या कोई भी झगड़े का मुद्दा आता है, उस समय पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी, पूरा टाइम, पूरा इमोशन लगा के उसे रिजॉल्व करने की ट्राई करनी ही चाहिए। लाइक दैट मस्ट बी द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि अगर कोई झगड़ा आ रहा है तो आई विल वर्क एज इफ आई कैन कंप्लीटली रिजॉल्व इट, बट बैक इन द माइंड आई नो इट मे और मे नॉट गेट रिजॉल्व्ड। तो वो पुरानी कहावत बड़ी सही है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वो कर्म करना बड़ा जरूरी है। तो आज की वीडियो उस कर्म को करने के लिए जो इम्पोर्टेंस दिमाग में रखनी है उस बारे में है। तो मेरा मतलब ये है कि जिंदगी में कुछ टाइम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को देना ही होगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले एक हफ्ते में कब सीरियसली बैठकर एक दूसरे के मुद्दों को, एक दूसरे की परेशानियों को सुना है, समझा और रिजॉल्व करने की कोशिश की है, यानी कि उसमें आपने कितना टाइम लगाया है। ये बात करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अक्सर
लोग इन बातों को बड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे क्या है, ज़िंदगी जी रहे ना, सब ठीक है ना, चल तो रहा है ना, कट तो रही है, अब ये भी यही है, मैं भी यही हूँ, कहीं किसी ने जाना नहीं, अब जैसा चल रहा है चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिल्में देख ली, म्यूज़िक सुन लिया, बातें कर ली, दोस्तों से मिल लिए, सो गए, बच्चों के साथ खेल कूद लिया, पर जो झगड़े हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हटते जाते हैं, उन पर बात ही नहीं हो पाती। वो अक्सर इसलिए भी होता है क्योंकि हज़ार बार ट्राई करके देख लिया, जब बात करते हैं फिर और लड़के उठते हैं, तो क्या ही मतलब है। तो कुछ लोग गिवअप कर देते हैं और कुछ लोग इतना ट्राई ही नहीं करते, वो इस काम को काम ही नहीं समझते। तो वो कहते हैं बस छोड़ ना, बात खत्म हुई ना, इस बारे में क्या चर्चा करनी है, हो गई और क्यों टाइम बर्बाद करना है, पहले आधा घंटा लड़ाई करके बर्बाद कर दिया, अब उस पर बात करके आधा घंटा और बर्बाद करें, क्या क्या तुक है। तो कुछ लोग इस तरीके से भी जीते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम का अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया कुछ नहीं है, एक बेसिक सेंस होती है। बेसिक सेंस ये है कि उस मुद्दे पर एक ओपन कॉन्वर्सेशन ज़रूर हो जहाँ दोनों अपने मन की बात पूरी अच्छे से कर सकें, हर झगड़े को एक बार प्रोसेस ज़रूर कर सकें। और अक्सर ये होगा कि एक पार्टनर ज़्यादा मुद्दे खड़े करेगा, और डेटा और रिसर्च ये कहता है कि विमेन, औरतें मुद्दे ज़्यादा उठाती हैं एज कम्पेयर टू मैन, और ये एक सच्चाई है। एंड उस कारण बहुत से आदमी मुद्दों से बड़ा दूर भी भागते हैं, कौन बात करेगा, या वो फिर आ गई, फिर बात करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे ये पैटर्न ही बन जाता है कि कोई मुद्दा आया फिर बस मुद्दे को भागा, क्योंकि दिमाग में लगता है एंडलेस हैं, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, बात करके क्या होगा, यहाँ गलती हो जाती है। तो इसलिए मैं बार बार एक बात कहूँगा कि हमें किसी भी एक्सट्रीम से बचना है, ना तो ज़ीरो ना टू मच, यानी कि ये भी नहीं है कि दिन में चार चार पाँच पाँच घंटे रोज़ मुद्दों पर बात कर रहे हो, और ये भी नहीं है कि एक महीना निकल गया और किसी पर बात नहीं करी। एक्सट्रीम से बचना बहुत ज़रूरी है, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने दिमाग में इसको एक प्रायोरिटी आज से ही रखो कि अगर कोई झगड़ा होगा, कोई बात हो गई, स्पेशली जब सामने वाला आपके पास कोई मुद्दा लेके आ रहा है, तो हाँ अपनी बाकी चीज़ें छोड़कर, अपना फ़ोन है उसको साइड में रखकर, अखबार पढ़ रहे हो तो उसको साइड में रखकर, या आपको एक बार घूमने जाना है तो उसको शायद 10 मिनट कम कर थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालेंगे, तो सामने वाले को एटलीस्ट ये फील हो सके, ये महसूस हो सके कि हाँ मेरी बात सुन ली गई है और जेन्युइनली कंसिडर की गई है, उतना भी काफ़ी होता है। और अगर आप वो पार्टनर हैं तो ये सबके लिए बात है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी भागते हैं, औरतें भी भागती हैं, वो तो एक एवरेज डेटा था। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कॉन्वर्सेशन से भाग रहे हो, बच रहे हो, तो ऐसा मत करो, वहाँ रुको। और अक्सर वहाँ रुकना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब सामने वाला वो मुद्दा उठा के लेके आता है तो वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, कई बार गालियाँ देते हैं, या इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, या आपको इतना नीचा दिखाते हैं कि आपका मन करता है ओ बस भागो यहाँ से। वो ऐसा अटैक फील होता है कि वहाँ रुक कर कॉन्वर्सेशन करना मुश्किल होता है। उसको टैकल करने का रास्ता ये नहीं है कि आप पूरा भागे जाओ, उसको टैकल करने का ये रास्ता है कि आप वहाँ खड़े रहो, मैदान में डटे रहो, पर सामने वाले को ये भी बताओ कि ये जो लैंग्वेज है ये आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सामने वाले को ये याद दिलाते रहो कि प्लीज़ मुझसे आराम से बात की जाए। बीच में आपको कूल डाउन होने के लिए ब्रेक लेना पड़े तो वो भी ले सकते हो, पर अल्टीमेटली कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सारे इमोशंस को एक बार साइड में रख के जो सामने वाले की कोर बात है, जो उसका मैसेज है, वो सुन लो और आप समझ लो, और उस पर आप जेन्युइनली तरीके से ऑब्जेक्टिवली रिस्पॉन्ड भी कर दो, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक शुरुआत होती है। और अगर आप दूसरी साइड हो कि आप मुद्दा लेके जाते हो और सामने वाला रिजेक्ट करता है, आपकी बात को सुन ही नहीं रहा, आपकी बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो अक्सर शायद आपको अपने ग्राउंड पे डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक ही बेसिक राइट तो है कि आपकी बात सुनी जाए। हाँ, फिर आपको भी ये याद रखना होगा कि ऐसा नहीं कि आप पीछे ही पड़ जाओ कि आपने एक बात को एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, फिर आप 50 बार दोहराए जा रहे हो। जो मुद्दा लेके आ रहा है, जो परेशान है, जो गुस्सा है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि अगर अपनी बात पूरी कर दी है, अगर अपनी बात पूरी बोल दी है और सामने वाले की बात सुन ली, और अपनी बात को एक दो बार दोहरा दिया, सामने वाले की बात भी वापस सुन ली, तो फिर रुकना भी पड़ता है। ये मुद्दा उठाने वाले के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सुनने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। इन दो बातों में बड़ा फ़र्क है। तो अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं तो याद रखें कि रेजोल्यूशन गारंटीड नहीं है, गारंटीड बस इतना हो सकता है कि हाँ आप एक कॉन्वर्सेशन कर लें। तो ये बात एडवांस में प्रिपेयर्ड रहो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि एक पेज पर आप आ ही जाओगे, डिसीजन में मिडिल ग्राउंड बन ही जाएगा, सामने वाला आपकी बात मान ही जाएगा। बहुत बार ऐसा नहीं होगा, पर वो कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है और वो आपका हक है। अगर सामने वाला आपकी बात ही नहीं सुन रहा और वो बस उठ के ही भागे जा रहा है, तब आप ये बोल सकते हो कि देखो अगर आप ये करोगे तो फिर मेरा भी नो कोऑपरेशन है। आपको एक गांधी की तरह एक नॉन अग्रेसिव, नॉन वायलेंट नो कोऑपरेशन आप कर सकते हो। नो कोऑपरेशन से मेरे मतलब फिर देखो आके मुझे आप टच भी मत करो, मैं आपके जोक्स पर भी नहीं हंसूंगी, मैं कडल नहीं करूंगी, फिर आप मुझसे ये मत उम्मीद करना कि मैं एक्स्ट्रा आके आपसे दिन की बातें शेयर करूंगी, क्योंकि जब अगर मेरे दिल का दर्द, अगर मेरी गहरी बात वो ही अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर ऊपर ऊपर की बातें करके क्या मतलब है।
although मैं ये नहीं कह रहा कि एक just because एक झगड़ा हो जाए तो आप सब कुछ रोक के बैठ जाओ कि कहीं पार्टी में जाना है उसको कैंसिल कर दिया, या आपने कोई डिसीजन लिया हुआ है कि हाँ मुझे ट्रिप पर जाना है तो गुस्से में क्योंकि उसने बाद में की ट्रिप की टिकट सी कैंसिल कर दी, या आपको एक बेसिक घर में खाना बनाना था कि तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अगर आपने अपने स्टैंड में ज़्यादा बड़े स्टेप्स ले लिए या ज़्यादा उल्टे काम कर दिए या सामने वाले का कुछ नुकसान कर दिया तो फिर नई फाइट्स भी शुरू हो सकती हैं। तो इसलिए वो याद रखो कि कुछ ऐसा भी नहीं करना, कुछ ऐसे डिसीजन भी नहीं लेने कि जिससे कुछ और नुकसान हो जाए या कुछ एक्सटर्नल लेवल पर नुकसान हो जाए। आपको बस अपना एक बेसिक लेवल पर दिखाना है कि आई एम नॉट ओके विद इट राइट नाउ, लाइक अंदर से मैं अभी खुश नहीं हूँ, मैं बस ऊपर ऊपर चला रही हूँ या चला रहा हूँ, और जब तक आप मेरी बात पूरी नहीं सुन लोगे ये बात मेरे दिमाग में अटकी हुई है, एंड अगर आप चाहो कि मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊँ, एकदम खिलखिला के हंसूँ और वापस उतना ही प्यार दिखाऊँ तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हुई है। तो इन बातों का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पहले तो आपको खुद को इंपॉर्टेंट समझना है कि जब सामने वाला कोई मुद्दा लेके आ रहा है या आपस में झगड़ा हो गया तो उसके लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालें, और अगर दूसरा भाग रहा है तो आपको कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जब झगड़े की आप बात करोगे, जब बैठोगे तो क्या करोगे उस समय, वैसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं पर मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स का बस नाम ले देता हूँ और उनके बारे में मैं डिटेल में शायद मैं फ्यूचर में कभी बात करूँगा, बट कुछ बेसिक स्किल्स जो हैं वो ये हैं कि जब आप अपना मुद्दा रख रहे हो या अपनी बात बोल रहे हो, मेक श्योर यू आर रिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन, आप पोलाइट रहो, नाइस रहो, हर बात को आराम से कहा जा सकता है। याद रखो आपका गहरा से गहरा दर्द, आपकी बड़ी से बड़ी एक्सपेक्टेशन, आपका बड़े से बड़ा गुस्सा भी जब आप मैसेज में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको आराम से ट्रांसफर कर सकते हो सामने वाले को रिस्पेक्टफुल फील कराकर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट। दूसरा, सुनना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले को ये फीलिंग आनी चाहिए कि उनकी बात पूरी सुनी गई है, नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो कम्युनिकेशन है वो गिर ही जाएगा, वो आगे चल ही नहीं पाएगा। और चुप रह पाना, मुंह पर पट्टी बांधना थोड़ी देर बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब अंदर से गुस्सा हो रहा था तो मन करता है कि उसकी ये बात को भी ठीक कर दूं, वो बात को भी ठीक कर दूं, या कभी कभी अक्सर मन करता है कि इसको बोलने ही ना दूं, बस अपनी अपनी बात बोल दूं और बोल के चला जाऊं और सामने वाला बस सुन ले और चेंज हो जाए, पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे, इसलिए लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, अंदर ये मान के चलो कि सामने वाले की इंटेंशन आपकी तरह अच्छे हैं, ये मत सोचो कि सामने वाला बस लड़ाई करने बैठा है या बस वो जिद्दी है या सेल्फिश है, ये मान के चलो वो भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहता है बट रास्ता उसे भी नहीं पता, रास्ता शायद आपको भी नहीं पता। तो ये जब सामने वाले के आप अच्छे इंटेंशंस को मान के चलते हो तो आपके अंदर उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक होप बनी रहती है कि हाँ अगर हम दोनों ट्राई करेंगे तो एक अच्छा सोल्यूशन निकाल लेंगे, एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ निकाल लेंगे। अगर आप ये मन में मान के चलोगे कि सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं है, मानने को तैयार ही नहीं है, ज़िद्दी है, आपके खिलाफ है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पहले ही खत्म हो जाएगा क्योंकि आप फिर बोलोगे भी उस तरीके से और अगले को भी लगेगा ले इसने तो मुझे मौका ही नहीं दिया, इसने तो मुझे एक अच्छा इंसान ही नहीं समझा, मैं क्या तो बात करूँ। नेक्स्ट थिंग, जब झगड़ों को रिजॉल्व करो तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी गलती को, अगर छोटी सी भी गलती हुई उसको मानना बड़ा ज़रूरी है, इससे एक रेसिप्रोकेशन शुरू होता है क्योंकि अगर दोनों ही अड़े रह गए तो बात कहीं आगे बढ़ेगी नहीं। जैसे ही आप अपनी खुद की गलती मानते हो बात थोड़ी आगे बढ़ती है, सामने वाले को लगता है अरे ये इस नाउ अ सेफ एनवायरनमेंट कि उसने गलती मानी है तो मैं भी मान सकता हूँ। और अक्सर दोनों की कुछ ना कुछ गलती होती है, छोटी बड़ी, एक की हमेशा ज़्यादा होगी एक की कम होगी, यूजुअली ऐसा ही होता है कि किसी की छोटी होगी और उस पर सामने वाला ज़्यादा बड़ी गलती कर देगा, पर आपकी छोटी हो या बड़ी हो भाग कर अपनी गलती को मानो ताकि एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, और दैट्स व्हाट यू वांट अ गुड एनवायरनमेंट जहां पर दोनों सेफ फील करें और तब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी फ्लेक्सिबल, यानी कि जब आप डिमांड्स कर रहे हो या जब कोई डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल आज रोटी बननी है कि राइस बननी है, फॉर एग्जांपल बच्चों के साथ गेम खेलना है कि उनको वॉक पे लेके जाना है, या घर में सोफा लाना है कि तीन चेयर्स लानी है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, उसमें एक गिव एंड टेक चलते रहना चाहिए, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। एक चीज़ याद रखो कि यूजुअली जिन डिसीजंस पर आप फाइट कर रहे हो उसमें अगर आप बात को छोड़ भी दोगे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, इन द लॉन्ग रन हर डिसीजन के कुछ ना कुछ फ़ायदे नुकसान बने रहते हैं, पर आपके रिश्ते के लिए और आपके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों को ये फील आए कि मेरी बात अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो सामने वाला सुन रहा है, और सामने वाले को ये फील आनी चाहिए कि जब उसके लिए कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है तो यहाँ भी वो कंसिडर की जा रही है। अगर एक इंसान को बार बार ये फीलिंग आती है कि हर बार मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हर बार मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अल्टीमेटली डेड एंड पर पहुंच जाएगा। एक दिन वो अगेन प्रोटेस्ट पे आ जाएगा कि बस अब तो मुझे छोटी से छोटी चाहे मेरी बकवास ही बातों मुझे मनवानी है क्योंकि मेरा भी तो हक है कुछ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको यू हैव टू लूज स्मॉल बैटल्स, छोटी छोटी बातें कभी कभी छोड़नी पड़ेंगी, और उसमें आप खेल के तौर पर ये कर सकते हो कि मजाक मजाक में सामने वाले को याद दिलाते रहो कि मैं भी तुम्हारी बात मानता हूँ, क्योंकि अक्सर दिमाग में ये फीलिंग आ जाती है कि ओ सारी बातें तो मैंने ही मानी है, सामने वाला तो कुछ मान ही नहीं रहा, सामने वाले का हम भूल भी जाते हैं, ये एक कॉग्निटिव बायस भी है। तो इसलिए सामने वाला जब तुम्हारी बात मानता है उसको याद भी रखो, और
जहां तक हो सके जितनी बातों पर हो सके कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कि गिव एंड टेक चलता रहे, बस ये फीलिंग ना आए कि एक तरफा काम हो रहा है। एंड एज लॉन्ग एज ये चलता रहेगा मुद्दे सलटते हैं, क्योंकि डीप डाउन सामने वाला भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, वो भी आपसे प्यार करता है, उसको भी रिलेशनशिप में मजा चाहिए और उसको लगता है कि हाँ मेरी बात मानी जा रही है, तो उसके अंदर भी इंटेंशन आता है कि हाँ चलो भाई मैं भी अब एक दो बात मान लेता हूँ, वो इतना बोल रहा है या इतना बोल रही है। तो ये गिव एंड टेक चलते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्प्रोमाइज। एंड फाइनली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हो या अपनी नीड बताते हो, ट्राई टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। सामने वाले की पर्सनैलिटी को पूरा अटैक मत करो, ये वैसे नाइसनेस और पोलाइटनेस में आ जाती है बात, बट देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार तू तो है ही बेवकूफ, या तू तो है ही सेल्फिश, तू तो मेरे पीछे पड़ी रहती है, तू तो है ही गलत, तू तो कभी सफाई करता ही नहीं, अगेन ये एब्सोल्यूट्स कि तूने तो कभी मेरा ध्यान नहीं रखा। आप चाहते तो वो आपका ध्यान रखे, पर उसको मनाने के लिए आप गुस्से में बोल ही देते हो कि तूने तो मेरा कभी ध्यान नहीं रखा। तो अब वो सुन के वो कहता है कि अच्छा कभी नहीं रखा, तो फिर अब तो कभी नहीं रखूंगा, तो जब पहले नहीं रखा तो अब क्यों रखूं। तो कहने का मतलब ये जो एब्सोल्यूट्स हैं या पूरी पर्सनैलिटी को एक ही रंग से रंग देना, ट्राई टू अवॉइड दैट, ये बिल्कुल मत करो। जब अपनी एक्सपेक्टेशन बोलने की दिस इज व्हाट आई वांट, देखो आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट लोनली, आई वांट कि अगर आप घर पे आओ तो आधा घंटा मेरे साथ बैठो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपको मेरी परवाह ही नहीं है या आपको इस फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब लड़ाई के बाद आप एक तरह से ये बोलो कि तू तो है ही नहीं आई थी बदतमीज, ये कहने की जगह आप ये बोल सकते हो कि मेरी इच्छा है, मेरी डिमांड है या मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जब आप बात करो तो प्लीज़ थोड़ी आवाज़ धीरे करके बोलो या मुझे ये शब्द मत बोलो। तो अपनी डिमांड को, अपनी एक्सपेक्टेशन को जितना स्पेसिफिक बिहेवियर पर लेकर कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा ऐसा करो, तो जब आप एक्सपेक्टेशन को ऐसे रखते हो तो सामने वाले की रिसेप्टिविटी भी बढ़ती है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर आज मैंने कुछ फंडामेंटल कवर करे हैं। बट अगेन डोंट फॉरगेट कि द बिगर मैसेज यहाँ क्या है, ये टूल्स तो आप यूज़ कर लोगे बट बिगर मैसेज ये है कि जब कोई झगड़ा होता है तो उसको रिजॉल्व करने को एक काम मानना जरूरी है, वो एक काम है रिलेशनशिप का। अगर आपने वो नहीं किया तो धीरे 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 रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो मुद्दे बढ़ते जाते हैं, वो घाव की तरह भी हैं अक्सर कि वो कभी हील ही नहीं होंगे। और जब मुद्दे इकट्ठे होते हैं तो अक्सर दिमाग में फिर एक पैटर्न बन जाता है, दिमाग में पूरा एक पिक्चर बन जाती है कि ये बात तो ऐसी ही है, वो टाइम के साथ वर्सन होती है। और जैसे जैसे वो पिक्चर और ख़राब होती है, लड़ाइयाँ और बढ़ती हैं, अंदर दूरी और बढ़ती है, और जो नया झगड़ा होता है वो और बड़े लेवल पर होता है। इसलिए बीच बीच में रुक कर उस घाव पर मलहम लगाना, उसको हील करना, उन पर बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को अगर आपने छोड़ दिया पूरा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बहुत बुरा हो गया, यानी ये समझ नहीं आएगा कब हम अंदर से इतना दूर हो गए, पता नहीं चला कि ऐसा कैसे हो गया कि बस अब सामने वाले की शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बहुत से छोटी 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 चीज़ों पर कभी रुक कर टाइम ही नहीं दिया गया। तो इसलिए आई वुड से कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फीचर मान के चलो। डोंट मेक इट जीरो एंड डोंट मेक इट टू मच, गेट सम बैलेंस देयर, दैट्स इट। हेलो पीपल इन दिल्ली, आई एम श्रीधर महेश्वरी, अ साइकोलॉजिस्ट with a specialization in counseling, with a further specialization in parenting and relationships. अपने बच्चों के साथ जो परेशानियाँ आती हैं या मैरिज में या अपनी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अक्सर बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग या डिसअपॉइंटिंग हो जाती है, फैमिली को छोड़ सकते नहीं, साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस हैं। मैं दिल्ली में एक लाइव इवेंट करने जा रहा हूँ, Q&A, जहाँ कोई भी आ सकता है और अपना कोई भी सवाल पूछ सकता है, तो प्लीज आइए और मुझसे मिलिए। Here are the details for date, time, venue and booking your seat. If you want to see me grow faster, you can help me in two ways. First, if you are feeling generous, please make a donation. I'll use it to hire video makers and researchers. By the way, I'm very, very grateful to people who have been making donations to me. They are my lifelines. Please continue to do so. Second, do subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for notifications. Please do it right now. आपने कहा था हिंदी वीडियोस के लिए भी चैनल बनाओ, मैंने बना दिया। अब आपकी टर्न है, जिस किसी को भी हिंदी आती है प्लीज मेरे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अभी इसी वक्त। मुझे भी वीडियोस डालने में तब मजा आएगा जब बहुत सारे लोग देखेंगे और शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। Please support me.